बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द न्यू टॉपिक फाइल परमिशंस इन लिनक्स यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम फाइल्स को किस तरह परमिशंस दे सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ परमिशंस होते हैं हमारे पास, वो परमिशंस हम दे भी सकते हैं यूजर को और ले भी सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे, ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टिव इन लिनक्स हैव एसोसिएटेड सेट ऑफ ओनरशिप्स। ठीक है, ऑनर परमिशन, कौन से परमिशन? ऑनर परमिशन दैट आर यूजुअली यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिटरमाइन द एक्सेस। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है किस पर्पस के लिए? इस पर्पस के लिए कि वो इसके एक्सेस को डिटरमाइन कर सके कि ये फाइल कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ये डायरेक्टिव जो आपके पास मौजूद है इसको कौन कौन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दीज परमिशन आर ग्रुप्ड इंटू थ्री सेट ऑफ थ्री बिट्स। यहाँ पे ये जो परमिशंस है ये आपको ये डिवाइड हो चुके हैं या ग्रुप हो चुके हैं। ठीक है, तीन सेट्स में ऑफ थ्री बिट्स, तीन सेट्स हैं और हर एक सेट के लिए फिर थ्री थ्री बिट्स होते हैं। ठीक है, द सेट रिप्रेजेंट्स, सेट्स में क्या यहाँ पे दो बातें हुई है, एक सेट की बात हुई है। ठीक है, और यहाँ पे बिट्स की बात हुई है, थ्री आपके पास सेट्स हैं और थ्री आपके पास बिट्स हैं। ठीक है, थ्री आपके पास सेट्स हैं और थ्री आपके पास बिट्स। तो अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सेट्स क्या होते हैं और सेट्स में क्या होता है और बिट्स में बिट क्या होते हैं। ठीक है, द सेट्स रिप्रेजेंट्स ऑनर, ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और एवरीवन को रिप्रेजेंट करता है, एवरीवन एल्स। ठीक है, वेयर इज द बिट रिप्रेजेंट्स, तीन बिट्स है, रीड राइट एग्जीक्यूट। ये आप देख लें, थ्री आपके पास एक सेट, वन सेट, सेकेंड सेट और थर्ड सेट बिट्स, वन बिट, टू बिट, थ्री बिट, यानी फर्स्ट बिट, सेकंड बिट और थर्ड बिट। फर्स्ट बिट रीड को, सेकंड बिट राइट को और थर्ड बिट आपको एग्जीक्यूट को शो करना है। सो वी हैव, सो ओवरऑल वी हैव नाइन परमिशंस इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। आपके पास टोटल जो है वो नाइन परमिशंस है। नाइन किस तरह है? एक, दो, तीन। ठीक है, एक, दो और तीन, तीन तीन नाइन। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आप ये देखिए, इसके तीन है, इसके भी तीन है और इसके भी तीन है। ठीक है, तो टोटल जो है आपके पास नाइन बनते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हम यहाँ पे जो वैल्यूज है, ठीक है, और यहाँ पे जो बिट्स है, इनसे हम परमिशंस के कैलकुलेटेड वैल्यूज को निकाल लेते हैं कि परमिशन आप डिजिट के बेस पे, ठीक है, न्यूमेरिकली आप किस तरह परमिशन दे सकते हैं यूजर को। ठीक है, कुछ डिजिट्स हैं और उन डिजिट्स को हम इस टेबल से कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग देख लीजिए। इफ वी लुक एट द फर्स्ट रो ऑफ द ऑनर, इस रो की बात कर रहे हैं, ऑनर रो की बात कर रहे हैं, वी सी वंस, थ्री वंस, हम तीन वंस को देख रहे हैं, वन वन और वन, विच स्पेसिफाइड आउट द ऑनर हैज द रीड। वो स्पेसिफाई करता है कि ऑनर के पास रीड के परमिशन भी है क्योंकि अलाउ मोड में है, वन है, राइट की परमिशन भी है क्योंकि अलाउ मोड में है, वन वन है, और एग्जीक्यूट की परमिशन है। ठीक है, ऑन अ फाइल और डायरेक्टरी, चाहे वो डायरेक्टरी हो चाहे वो फाइल हो, वो फिर हम स्पेसिफाई करते हैं आगे। ठीक है, कि ये डायरेक्टरी को आप, डायरेक्टरी पे आप इसको परमिशन देना चाहते हैं या आप इसको फाइल पे परमिशन देना चाहते हैं। सेस ऑल ऑफ द बिट्स आर इन अलाउ मोड। ठीक है, मैंने आपको बताया कि तीन में से तीन बिट जो है वो अलाउ मोड में है। वी कैन एड अप देम, वी कैन एड देम अप टुगेदर टू गेट। अगर हम इसको एड कर दें, यानी आपने जब अलाउ मोड में है तो इस वैल्यू को आपने कंसीडर करना होगा, टू पावर फोर, टू पावर टू। जब ये भी अलाउ मोड में है तो कंसीडर करना होगा, जब ये भी अलाउ मोड में है तो आपने ये कंसीडर करना होगा। तो आपके पास ये भी अलाउ मोड है, ये भी ऑन है और ये भी ऑन है, तीनों ऑन है, इसको भी आप कंसीडर कर दें, इसको भी आप कंसीडर कर दें और इसको भी आप कंसीडर कर दें। टू पावर टू आपके पास ये हो गया, प्लस आपने ऐड करना होता है। ठीक है, टू पावर वन, वन मोड है, ठीक है, टू पावर वन को भी कंसीडर कर दें और टू पावर जीरो को भी कंसीडर कर दें क्योंकि ये भी अलाउ मोड में है, ये आपने कंसीडर कर दिए और ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया, टू पावर टू फोर, टू पावर वन, टू पावर वन वन टू और टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो आपके पास जो इससे बनता है वो सेवन बनता है। यानी अगर आपके पास सारे के सारे बिट जो है वो अलाउ मोड में हो तो उससे जो वैल्यू आती है कैलकुलेटेड वैल्यू
वो आपके पास 7 है। सिमिलरली द सेकेंड रो इन ग्रुप, अब सेकेंड रो को देखिए, इस रो को आप देख लें, इस रो को आप देख लें, ग्रुप फॉर यूजर किसके लिए है, ग्रुप के लिए है, ठीक है। यूजर विद इन द सेम ग्रुप्स इज दैट ऑफ द फाइल ऑनर हैव, कौन कौन से परमिशन है इसके पास, कौन कौन से बिट जो है वो अलाउ मोड में है या ऑन है, आपके पास रीड ऑन है और राइट ऑन है, तो इसको भी आप कंसीडर कर दें और इसको भी आप कंसीडर कर दें, इसको आप कंसीडर ना करें क्योंकि ये अलाउ मोड में नहीं है। तो इसको आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी इस ग्रुप के पास, ग्रुप के पास रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, लेकिन एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 2 पावर 2 इसको हमने ले लिया, 2 पावर 1 इसको भी हमने ले लिया, और इसको हमने नहीं लिया क्योंकि ये अलाउ मोड में नहीं है। तो आपके पास 4 प्लस 2 6 बन गया, ठीक है, यानी इट मीन्स अगर आपके पास वैल्यू डिजिट जो है वो 7 है तो यूजर को या ओनर को या अदर्स को, ठीक है, रीड की परमिशन भी है, राइट की परमिशन भी है और एग्जीक्यूट की परमिशन भी है, लेकिन अगर वो वैल्यू आपके पास 6 आ जाए तो इट मीन्स कि उसको रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, लेकिन एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। एंड लास्टली एवरी अदर यूजर कैन ओनली एग्जीक्यूट द फाइल्स एंड हैव परमिशन, नो परमिशन टू रीड एंड राइट देम। यहाँ पे अगर आप लोग थर्ड रो को देख लें, ये थर्ड रो अगर आप देख लें, ये वाली रो, यहाँ पे फर्स्ट जो है रीड 0 है, ये भी 0 है और ये 1 है, इट मीन्स कि एग्जीक्यूट की परमिशन है, बाकी रीड और राइट की परमिशन उसके पास नहीं है, अदर्स के पास नहीं है। इसका रिजल्ट या इसके डिजिट को कैलकुलेट करते हैं, आप लोग देखिए, दिस विल बी ट्रांसलेटेड एज 2 पावर 0, इसको आप कंसीडर ना करें क्योंकि 0 है, इसको आप कंसीडर ना करें क्योंकि ये 0 मोड है, ठीक है, अलाउ मोड नहीं है, सिर्फ इसको आप कंसीडर करें, तो 2 पावर 0 = 1, सो द फाइल परमिशन वुड बी 7 6 और 1, इट मींस कि ऑनर जो है उसको सारे के सारे परमिशन हासिल है, ये देखिए। इसके बाद और ग्रुप जो है उनको सिर्फ रीड और राइट की परमिशन हासिल है, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। इसके बाद और जो अदर्स हैं, अदर्स को सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन है, ठीक है। तो टू गिव द परमिशन ऑफ दिस परमिशन, ये जो परमिशन है टू अ फाइल वी वुड यूज द कमांड, अपने ये कमांड यूज करना होगा, ठीक है, अपने ये कमांड यूज करना होगा। तो यहाँ पे आपने लिखना होगा chmod कमांड, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना होगा जो इसके डिजिट है, जो कैलकुलेटेड वैल्यूज है, ठीक है, जो आपने निकाले हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना होगा फाइल का नाम या डायरेक्टरी का नाम, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली कर लेता हूँ इसको, अच्छा। सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि डेस्कटॉप में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो हमने फाइल बनाई थी, जो डायरेक्टरी बनाई थी पिछले लेक्चर में, ठीक है, उन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास जो डायरेक्टरी थी वो मेरे ख्याल में टेस्ट एलएस, ठीक है, एलएस, चलो इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं, ठीक है, उन फाइल्स के यहाँ पे आप देख लें, ये आपके पास इसके अंदर फाइल है, ठीक है, लिंक फाइल। मैं क्या करता हूँ, मैं इस लाइन लिंक फाइल पे यूजर्स को देखो, ये जो 3 डिजिट्स हैं ये शो करता है ऑनर के परमिशन को, यहाँ पे जो 3 डिजिट है, 3 बिट है, ये शो करता है अदर के परमिशन को, और यहाँ पे जो 3 डिजिट है, सॉरी, यहाँ पे जो है ये शो करते हैं ग्रुप के परमिशन को, और यहाँ पे जो 3 है ये शो करते हैं अदर जो यूजर्स होते हैं उनके परमिशन को। यहाँ पे आपको डैश नज़र आ रहा है, या डैश, फर्स्ट जो डैश है ये शो करता है कि आपके पास जो है ये जो डिजिट, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये शो करता है कि आपके पास फाइल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, ये एल शो करता है कि आपके पास ये लिंक है, और यहाँ पे डी है, डी शो करता है कि आपके पास ये डायरेक्टरी है, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फाइल है, ये लिंक है और ये डायरेक्टरी है, ठीक है। तो अभी हम इस तरह करते हैं कि वो जो हमने कैलकुलेट किया था, वो 3 डिजिट्स जो हमने कैलकुलेट किए थे, वो इस पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि आया वही काम होता है कि नहीं, ठीक है। तो आपने किया लिखना होगा chmod, ठीक है, chmod आपने लिखा, तो वो कौन सी विधि थी, 6 7 6 और 1, ठीक है। और फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम आपके पास है link file, ठीक है। मैं इसको अप्लाई करता हूँ और मैं फिर ls करता हूँ, ठीक है, देख लेता हूँ। ये देखें,
पहले इसके पास कोई भी परमिशंस नहीं थे, न ग्रुप के परमिशंस थे, यूजर के परमिशंस थे, न ग्रुप के, यानी न ऑनर के परमिशन थे और न ग्रुप के परमिशन थे। लेकिन यहाँ पे अभी आप देख ले, हमने ऑनर को, हमने रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों के तीनों परमिशन दिया है। ये आप देख ले, तीनों के तीनों परमिशन दिए हैं। और यहाँ पे देख ले, वो ये दे देता है रीड राइट और एग्जीक्यूट। आप सेकेंड उसमें देखें, ऑनर के लिए आप देख ले, सॉरी ग्रुप के लिए आप देख ले, रीड है राइट है लेकिन एग्जीक्यूट के नहीं है। और ये आप देख ले, रीड के हैं राइट के हैं लेकिन एग्जीक्यूट के नहीं है। ये देखो सिक्स है कि नहीं है। अभी इसको इसको देख ले, अदर्स के देख ले, अदर्स को कौन कौन से परमिशन है। अदर को सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट के हासिल होंगे। और ये आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट के हैं, न तो रीड के हैं और न राइट के, सिर्फ एग्जीक्यूट के परमिशन अदर्स को दिए गए हैं। ठीक है, और ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये फार्मूला है। ठीक है, जिससे आपने वैल्यू कैलकुलेट करना है इस टेबल के बेस पे, फार्मूला के बेस पे। ठीक है, और आप डिजिट के बेस पे, वैल्यूज के बेस पे, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेस पे आप चेंज कर सकते हैं परमिशंस को यूजिंग chmod कमांड। ठीक है, अभी ये देखें, अगर मैं तीनों को 7, 7 और 7 कर लूँ तो फिर क्या होगा। फिर होगा ये कि इनको भी सारे के सारे परमिशन मिलेंगे, रीड राइट और एग्जीक्यूट, इसको भी मिलेंगे और इसको भी मिलेंगे। मैं कर लेता हूँ, ठीक है, मैं कर लेता हूँ। आप ये भी देख ले, पहले आप लोगों ने ये देखा कोई परमिशन नहीं थे, फिर हमने 6, 7, 7, 6, 1 को यूज़ किया। ठीक है, ये आप देख ले, ये परमिशन इनको हमने दे दिया। अभी मैं कहता हूँ कि इन सारों को, इन तीनों को, यूजर को और ग्रुप को और ऑनर को सारे के सारे परमिशन दे दो। आप इस तरह कर दें chmod और यहाँ पे सारे जो डिजिट्स हैं वो 7, 7, 7 कर दें। ठीक है, ये आप देख लें, अब सारों को, मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, और ये डैश मैंने आपको बताया था, ये शो करता है फाइल को, ये फाइल है, ये लिंक, ये लिंक को शो करता है और डी जो है वो डायरेक्टरी को शो करता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, तो ये टेबल के बेस पे हमने वो कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको फाइल का टाइप बता रहा है। ठीक है, और ये कुछ मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिए हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आर जो है वो रीड परमिशन है, डब्ल्यू जो है वो राइट परमिशन है, एक्स जो है वो एग्जीक्यूट परमिशन है, और जब ये हो सिंपल आपके पास ये डैश, ये मैंने लास्ट में उसमें ये देख ले सारे के सारे डैशेस हैं। ठीक है, तो ये शो करता है कि इसके साथ कोई परमिशन नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, यहाँ पे डैश दिया गया है। ठीक है, तो डैश का मतलब है कि रीड के है, राइट के है, लेकिन एग्जीक्यूट के परमिशन नहीं है। ठीक है, तो ये डैश शो करता है नो परमिशन। ठीक है, यहाँ पे आप द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोड अगर आप देख लें तो रीड के है, राइट के है, लेकिन उसके एग्जीक्यूट के परमिशन उसके पास नहीं है। और ये इसने शो भी किया है, एरो शो करता है कि नो एग्जीक्यूट परमिशन। ठीक है, रीड कर सकता है, राइट और एडिट कर सकता है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि ये यूज़र को शो करता है। ठीक है, ये सेकंड जो है ये ग्रुप को शो करता है, ये आपके अदर को शो करता है। ठीक है, और ये ऑनर, और ये फर्स्ट वन जो है ये ऑनर को भी शो करता है, ऑनर को भी कह सकते हैं और आप यूज़र को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डैश जो है ये शो नॉर्मल फाइल को, डी डायरेक्टरी को शो करता है, और अगर आपके पास सी है तो फिर ये शो करता है कि शो करेक्ट स्पेशल फाइल, अगर आपके पास बी है तो वो शो करता है शो बाइनरी स्पेशल फाइल। ठीक है, तो अभी हम इस तरह करते हैं कि दो तरीकों से हम इसके चेंज करते हैं। ठीक है, यूज़र के परमिशन को चेंज करते हैं। ठीक है, चेंजिंग परमिशन विद chmod कमांड, chmod कमांड को यूज़ करके हम परमिशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो वी कैन यूज chmod कमांड विच स्टैंड फॉर चेंज मोड। ठीक है, क्या चेंज मोड यूजिंग, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि कौन सा मोड है, जीरो मोड है या वन मोड है। जीरो मोड मीन नो अलाउ, ठीक है, अलाउ नहीं है, परमिशन अलाउ नहीं है। वन मोड मीन परमिशन अलाउ है, अलाउ मोड में है, अलाउ मोड में नहीं है। ठीक है, तो ये यूजिंग द कमांड वी कैन सेट परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट ऑन अ फाइल और डायरेक्टरी फॉर द ऑनर ग्रुप एंड द वर्ड। ठीक है, बाकी जो लोग होते हैं वर्ड, मतलब वो यूजर, अदर यूजर। chmod परमिशंस आपने लिखने होंगे और यहाँ पे आपने फाइल का नाम होगा।
ठीक है, दो तरीकों से आप परमिशन दे सकते हैं, एक एब्सोल्यूट मेथड है और एक सिंबॉलिक मेथड है। एब्सोल्यूट मेथड मैंने ये बता दिया आप लोगों को यूजिंग डिजिट्स, न्यूमेरिकल मेथड आप इसको कह सकते हैं न्यूमेरिकल डिजिट्स, ठीक है। एब्सोल्यूट मेथड ये देखो न्यूमेरिकल न्यूमेरिक मोड, ठीक है, एब्सोल्यूट मोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये टेबल को थोड़ा सा देख लें, ये टेबल शो करता है, ठीक है, कि अगर आपके पास सारे जीरो 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 है, ठीक है, नो परमिशन है, अगर आपके पास वन है तो वो एग्जीक्यूट को शो करता है कि एग्जीक्यूट की परमिशन है, अगर आपके पास राइट है तो वो क्या शो करता है, ये देखिए आप इस ऊपर ऊपर जो टेबल था उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने डिटेल में समझा दिया ऊपर, लेकिन अगर आप लोग इसको याद रखना चाहते हैं इस टेबल को, तो आप याद कर ले, फिर डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास, मैंने आपको बताया सारे के सारे परमिशन है, रीड राइट और एग्जीक्यूट, तो फिर ये देखिए सेवन है, यहाँ पे जो नंबर के फॉर्म में भी परमिशन दिए गए हैं और यहाँ पे सिंबल के फॉर्म में भी दिए गए हैं। और आगे हम पढ़ेंगे ये सिंबॉलिक मूव्स, ठीक है, सिंबल के जरिए हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें सिक्स सेवन सिक्स फोर, इसका मतलब है कि ऑनर को रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन सारे के सारे परमिशन हासिल है। फिर और ग्रुप को अगर आप देख लें 64 है, 64 में उसको रीड के परमिशन भी हासिल है, राइट की भी हासिल है, लेकिन एग्जीक्यूट के नहीं है। फिर फोर के लिए शो करता है, फोर अगर आप लोग देख लें यहाँ से, मैं फोर को कैलकुलेट करता हूँ कि फोर किस तरह कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे आप देख लें टू पावर टू फोर, ये देखिए टू पावर टू फोर, फोर मीन सिर्फ और सिर्फ रीड के परमिशन है, सिर्फ और सिर्फ रीड के परमिशन है, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आप देख लें सिर्फ और सिर्फ रीड के परमिशन है, ठीक है। तो आप इस तरह इसको डिराइव कर सकते हैं, 674 का मतलब यह है कि ऑनर कैन रीड राइट एंड एग्जीक्यूट 6, यूजर कैन रीड एंड राइट, वर्ड कैन ओनली रीड, वर्ड मीन अदर यूजर्स या अदर्स आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये शो करता है दिस इज शॉन एज, ये आप इस तरह शो कर सकते हैं कि ये फर्स्ट डैश फाइल को शो करता है, ये ऑनर के परमिशन है, ये आपके पास ग्रुप के परमिशन है, और इसके बाद जो है वो आपके पास ये जो तीन है ये शो करते हैं अदर के परमिशन, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिक मोड, ठीक है। अभी हम सिंबॉलिक मोड को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन सिंबॉलिक मोड यू कैन चेंज द परमिशन फॉर ऑल थ्री ऑनर्स, यूजर का भी आप चेंज कर सकते हैं यूजिंग सिंबॉलिक मोड, ऑनर का भी आप चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा ग्रुप का भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन सिंबॉलिक मोड यू कैन मॉडिफाई परमिशन फॉर अ स्पेसिफिक ऑनर, आप स्पेसिफिक ऑनर की भी वो मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था स्पेसिफिक ऑनर का, ठीक है। तो यहाँ पे इट मेक्स यूज ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स टू मॉडिफाई द यूनिक्स परमिशन, देखो यहाँ पे तीन सिंबल्स यूज हुए हैं, ठीक है, एक प्लस होता है, एक आपके पास माइनस होता है, और एक आपके पास इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि एड परमिशन टू अ डायरेक्टरी ऑफ फाइल, अगर आप परमिशन को एड करना चाहते हैं तो आप फिर प्लस साइन यूज करना होगा, अगर आप परमिशन को रिमूव करना चाहते हैं यूजर से, ऑनर से और ऑनर से, अगर आप परमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपने माइनस यूज करना होगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। सेट द परमिशन एंड राइट द परमिशन सेट अर्लियर, इसका काम यह है कि आप परमिशन को सेट करता है और आपने पहले जो परमिशन यूज किया है, ठीक है, उसको ओवरराइड करते हैं या उसके पास जो अवेलेबल परमिशन होते हैं उनको ओवरराइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें तीन सिंबल और यूज होते हैं, एक एब्रीविएशन है, ठीक है, यू है, फिर जी है, आपके पास जी है, फिर ओ है और ए है। यू यूज होता है ऑनर के लिए, जी यूज होता है ग्रुप के लिए, ओ यूज होता है ऑनर के लिए, और ए जो है वो ऑल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अभी आप देख लें नीचे आप लोग आ जाए, अगर आप अदर को परमिशन देना चाहते हैं, अदर को आप परमिशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देखें सी एच मोड, ठीक है, प्लस एक्स, यानी मैं अदर्स को मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट के परमिशन देना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि अदर्स को आप एग्जीक्यूट के परमिशन देना चाहते हैं। O stands for other, X means executable permission and plus is used for adding permissions, ठीक है। तो आप इस तरह कर दें, आप जाएं इधर, ठीक है, आप इधर जाएं, ठीक है, और यहाँ पे आप प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं। अच्छा इधर आप इसको देख लें थोड़ा सा, ठीक है, इधर आप इसको थोड़ा सा देख, मैं कहता हूँ कि एल एस माइनस एल, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ऑनर को, ठीक है, या अदर को
अदर को एग्जीक्यूट के परमिशन दे दे। पहले मैं इससे परमिशन ले लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं इससे परमिशन ले लेता हूँ, सारों सारों से मैं परमिशन ले लेता हूँ, ठीक है, अब जीरो 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 कर दी, ठीक है। ये आपके पास देखो इस फाइल पे कोई परमिशन नहीं है, सारे के सारे परमिशन आपने उनसे लिए हैं। मैं कहता हूँ कि अदर को इसको आप एग्जीक्यूट के परमिशन दे दें, तो आप लेके सी एच मोड लिख लिया, ठीक है, ओ मीन अदर प्लस कौन सी परमिशन, एक्स, एक्स मीन एग्जीक्यूट के परमिशन, ठीक है। अच्छा फाइल का नाम, सॉरी फाइल का नाम आपने मेंशन करना होता है, ठीक है, तो कौन सा फाइल था, लिंक फाइल, ये देखिए आपने दे दिए, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको आपने एग्जीक्यूट के परमिशन दे दिए, ये आप देख ले, यहाँ पे ये परमिशन नहीं थे लेकिन अभी आपने इसको दे दिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप अगर इसको राइट के परमिशन भी देना चाहते हैं तो आप इसके साथ सिंपली प्लस डब्ल्यू कर दें, क्या कर दें, सिंपली प्लस डब्ल्यू कर दें और फाइल का नाम भी लिख दें, ठीक है, तो ये देखें, ये आपने दे दिए, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको आपने ये परमिशन दे दी, ठीक है, राइट के परमिशन भी दे दी। अगर आप रीड के परमिशन भी देना चाहते हैं तो बस सिंपली आप इस तरह कर दे दी, ये आपने रीड के परमिशन दे दी, ठीक है। अभी अगर आप कहते हैं कि मैं ग्रुप को, ये ग्रुप को शो करता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ग्रुप को मैं सारे के सारे परमिशन देना चाहता हूँ, ठीक है, ग्रुप को मैं सारे के सारे परमिशन देना चाहता हूँ, तो आप दे सकते हैं, ठीक है, ये आप देख लो मैंने ये परमिशन दे दी, आप ग्रुप को देना चाहते हैं तो इस तरह आप कर दें। एक और तरीका है, अगर आप एक टाइम पे सारे के सारे परमिशन देना चाहते हैं, पहले आप जी कर दें और रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों के तीनों परमिशन अदर्स को मिलेंगे, बल्कि ग्रुप को मिलेंगे, ये आप देख लें, ये देखें मैंने तीनों के तीनों परमिशन ग्रुप्स को दे दिए। आप एक उस पर मतलब एक गो में आप तीनों के तीनों परमिशन दे सकते हैं और आप परमिशन ले भी सकते हैं, किस तरह आप ले सकते हैं, आप प्लस की बजाय माइनस कर दें, आप प्लस की बजाय माइनस कर दें, ठीक है, तो ये सारे के सारे परमिशन आपने ग्रुप से दोबारा ले लिए, पहले आपने दिए थे और अभी आपने ले लिए, आप फिर भी दे सकते हैं यूजिंग इक्वल साइन, ठीक है, आप इक्वल साइन को यूज करके फिर भी परमिशन दे सकते हैं, ठीक है, ये आप देख लें मैंने दोबारा दे, ठीक है, तो आप इस तरह आप उसको भी दे सकते हैं, ऑनर को भी दे सकते हैं, ठीक है, ऑनर वो क्या करेगा, वो फिर आपने करना होगा आप, ठीक है, यूजर, ठीक है, तो आपने यूजर को दे दिए, ये देखें अपने सारे के सारे परमिशन यूजर को यानी ऑनर को दे दिए, ठीक है, यहाँ से शो करता है, यहाँ से रीड राइट और एग्जीक्यूट, आप इनसे ये परमिशन ले भी सकते हैं, आप इनसे ये परमिशन ले भी सकते हैं, ठीक है, तो किस तरह लेंगे, माइनस कर, ठीक है, आप इससे भी ले सकते हैं, किससे, अदर से भी ले सकते हैं, आप ग्रुप से भी ले सकते हैं, सारे के सारे परमिशन आपने दे दिए, आप देख लीजिए कोई भी परमिशन इनके पास नहीं है। अच्छा इसके बाद आगे हम जाते हैं, ठीक है, ये मैंने डिटेल से समझा दिया, आप डायरेक्टली से भी ले सकते हैं, ठीक है, परमिशन टू ग्रुप आप ये भी मैंने समझा दिया, परमिशन टू यूजर ये भी मैंने समझा दिया, ठीक है, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर आप आल, ये देखो आल को आई ए मीन आल, मैंने ये भी बताया था कि आल, ठीक है, ए, अगर आप कहते हैं कि सारों को इस मतलब सारे ऑनर को यूजर को और ग्रुप को मैं एक टाइम पे परमिशन देना चाहता हूँ, एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ पे इस तरह कर दें, आप यहाँ पे ये आप देख लें, आप यहाँ पे इस तरह कर दें, यूजर ग्रुप और ऑनर और प्लस वो परमिशन देना, ठीक है, जो सिंबल है, यानी आप यहाँ पे लिख दें ग्रुप ऑनर और यूजर, तीनों मैंने कर दिए, ए ओ शो करता है ऑनर को और यू शो करता है यूजर को और इसके अलावा जी शो करता है ग्रुप, तो आप देख लें सारों को आपने परमिशन वन गो में दे दिए, ऑनर को भी दे दिए, यूजर को भी दे दिए और ग्रुप को भी दे दिए, ठीक है, अभी अगर आप सारों से परमिशन लेना चाहते हैं तो बस सिंपली आप इस तरह कर दें, ठीक है, ये अपने परमिशन ले लिए, ये अपने परमिशन ले लिए, ठीक है। एक और तरीका है, अगर आप आल को परमिशन देना चाहते हैं, एक और तरीका, और तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप यहाँ पे प्लस कर दें और इधर आप ए कर दें, ए मीन ऑल, ठीक है, ए मीन ऑल, इक्वल भी कर सकते हैं और ए भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है, चलो मैं प्लस कर लेता हूँ,
काल को आपने परमिशन दी, ये आप देख रहे हैं। अगर आप ईगो में सारों से परमिशन लेना चाहते हैं तो सिंपली आप किस तरह करें, सिंपली आप इस तरह कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। तो अब सारों से ये परमिशन अभी ले लेंगे, ये देखिए सारों से आपने ये परमिशन ले ली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप इस डायरेक्टरी को भी परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, बस सिर्फ और सिर्फ आगे डायरेक्टरी का नाम लिखना होगा। मैं कहता हूँ देख लिया, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक डायरेक्टरी है टिक्स डायरेक्टरी, टिक्स डायरेक्टरी को बस परमिशन दे दिया, ठीक है। टिक्स डायरेक्टरी को आप परमिशन दे, ठीक है। तो टेस्ट ये आपने सारे के कहता है कि परमिशन ये है सुडो को यूज करते हैं, ठीक है। ये अच्छा, अभी आप मेरे ख्याल में अपनी परमिशन दीजिए, ठीक है। अभी आपने सारे के सारे परमिशन इनको दे दिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो एलिस कर दें, तो देखो सारों को अपने परमिशन दिए है, ठीक है। सारों को अपने परमिशन दिए है, ठीक है। अभी अगर आप इनसे लेना चाहते हैं परमिशन, तो सिंपली आप बस माइनस ए कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। सारों से अपने परमिशन दे दिए, ठीक है। सारों से अपने परमिशन दे दिए। इसका चूंकि यूज़र अपना था ही नहीं, ठीक है, यूज़र इसका चेंज था, तो इसलिए इसकी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा था, ठीक है। ये आपने फिर सुडो कर दिया, ठीक है। आप ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गिव परमिशन टू यूजर्स, टेक परमिशन फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। लेकिन डायरेक्टरी पे यहाँ पे ये क्या कह रहा है, डायरेक्टरी परमिशन, ठीक है, डायरेक्टरी परमिशन, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये है, ठीक है। अगर आप इस तरह करते हैं, इनसे इनको परमिशन दे देते हैं और फिर इनसे परमिशन ले लेते हैं, ठीक है, और फिर आप सीडी उसमें जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये परमिशन डिनाई करता है, क्योंकि आपने परमिशन लिए है, एग्जीक्यूट के परमिशन आपके पास है ही नहीं, ठीक है। अगर आप फिर इसके एग्जीक्यूट के परमिशन देना चाहते हैं तो दे दें इनको ये परमिशन, ठीक है, तो फिर आप सीडी और टेस्ट इसको इसके अंदर आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये आप डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, डायरेक्टरी के अंदर आप चलेंगे और इसके अंदर आप डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, तो नहीं बना सकते, क्योंकि आपने इसको राइट के परमिशन देने होंगे। पहले आपने इसको राइट के परमिशन देने होंगे, जब राइट के परमिशन देंगे फिर आप डायरेक्टरी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह कुछ चीज़ें देने हो रही है, क्योंकि परमिशन देना होता है, ठीक है। इस तरह आप डायरेक्टरी डायरेक्टरी पे ग्रुप को भी परमिशन दे सकते हैं और आप अदर्स को भी परमिशन दे सकते हैं और उनसे आप परमिशन ले सकते हैं डायरेक्टरी पे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।